देख रहे हैं दखल न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेसियों को शर्म आना चाहिए, उनके बयान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के आर्थिक हालातों से चिंतित, ताजा हालातों के लिए ठहराए मोदी सरकार को जिम्मेदार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी बजरंग दल पर विवादित बयान, शिवराज बोले दिग्विजय सिंह की कोई विश्वसनीयता नहीं। मध्य प्रदेश ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से किया मना, कहा केंद्र सरकार ने जरूरत से ज्यादा बढ़ाई जुर्माना राशि। और छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1000 किलो गांजा किया बरामद। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध किया। राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसकी पाकिस्तान में तारीफ होती है। राहुल के बयान को पाकिस्तान अपनी याचिका में शामिल करता है। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए कि उनके बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दादरा और नागर हवेली के दौरे पर सिलवासा में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर कहा कि पिछले संसद सत्र में मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। अनुच्छेद 370 और 35 ए देश के एकीकरण में बाधा था। मोदी जी को आप लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने संसद के पहले ही सत्र में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। मोदी जी के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते खुले हैं, आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ मिलाने का काम हुआ है। सब लोग इस फैसले पर सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर जिसका काम सरदार साहब को नहीं दिया गया और वो छूट गए, धारा 370 और 35 ने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के बीच में एक बड़ी बाधा। किसी में हिम्मत नहीं थी 70 साल तक धारा 370 को हटाने की, 35 को हटाने। आपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, आपने प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। पहले ही सत्र में धारा 370 और 35 को हटाकर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मंत्री जी के अलावे कोई ले नहीं सकता। 70 साल से कई लोग आए गए, तीन तीन पीढ़ियों तक शासन करे, मगर धारा 370 नहीं। आज फैसले से जम्मू और कश्मीर प्रदेश के विकास के रास्ते खुले हैं, आतंकवाद के कोफिन पर अंतिम कील ठोकी गई है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए एक रस करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरे देश की जनता आज प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे। मगर कुछ लोग हैं जो इसका भी विरोध कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 2014 में जब मोदी जी पीएम बने तो उन्होंने हर व्यक्ति को घर और हर घर में शौचालय, बिजली व आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देने का फैसला किया था। इस दौरान हर घर में शुद्ध पानी देने का संकल्प छूट गया था। मोदी जी ने इस बार जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत की है। ये जल शक्ति मंत्रालय हर घर को संपूर्ण बनाने का काम करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक हालातों पर चिंता जाहिर की है और कहा कि सरकार तत्काल ठोस कदम उठाए और हमारी अर्थव्यवस्था को इस मानव निर्मित संकट से बाहर निकाले। अर्थशास्त्री, कांग्रेस नेता, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के आर्थिक हालातों को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है योग्य लोगों से सलाह मशविरा करके इस समस्या से निजात पाएं। मनमोहन सिंह ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो बदले की राजनीति छोड़ें और सभी बुद्धिजीवियों एवं विचारकों का सहयोग लेकर हमारी अर्थव्यवस्था को इस मानव निर्मित संकट से बाहर निकालें। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India
has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. मध्य प्रदेश की सियासत में खुद को जमाने की कोशिश में लगे दो पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर आमने सामने हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए वे सब बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी के हैं, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी विचारधारा की लड़ाई भाजपा से है, संघ से है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह की कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते रहते हैं, आतंकी ओसामा को जी बोलते हैं, आईएसआई जो बोलता है वही दिग्विजय सिंह बोलते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं और गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी विचारधारा की लड़ाई भाजपा से है, संघ से है। जिन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में भाग नहीं लिया हमें वो राष्ट्रीयता का सबक सिखाना चाहते हैं। कहां थे यह लोग 1947 से पहले? जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात और बताओ, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। दिग्विजय सिंह के विवादित बोल के बाद बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सामने आए और कहा दिग्विजय सिंह सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयान देते हैं, उनकी खुद की कोई विश्वसनीयता है ही नहीं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओसामा को जी बोलते हैं, आईएसआई जो बोलता है वही दिग्विजय सिंह बोलते हैं, आतंकियों की मौत पर मातम मुर्सी करते हैं लेकिन शहीद के घर नहीं जाते, कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान कांग्रेस के नेताओं के बयान को अंतरराष्ट्रीय फोरम पर कोट करता है। वो तो जानबूझ के विवादित बयान देते हैं, विश्वसनीयता है नहीं और भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं। आईएसआई जो कहती है वो दिग्विजय सिंह कहते हैं, ओसमा जी ओसमा को जी कहते हैं, कहीं एनकाउंटर में अगर आतंकवादी मारे जाते हैं तो आतंकवादियों को जाके प्रतिष्ठित करते हैं और शहीद के घर तक नहीं पहुंच पाते। दिग्विजय सिंह की मानसिकता विकृत है और अकेले दिग्विजय सिंह क्या, उनके नेता भी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अपने बयान पर विवाद उठने के बाद दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि कुछ चैनल चला रहे हैं कि मैंने भाजपा पर यह आरोप लगाया है कि वे आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। बजरंग दल व भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी द्वारा आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है, मैंने यह आरोप लगाया है कि जिस पर मैं आज भी कायम हूँ। मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इसकी विवेचना की जाएगी, केंद्र सरकार ने दरें जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी हैं, लोगों में पहले जागरूकता लाना जरूरी है। देश भर में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध शुरू हो गया है, नए ट्रैफिक नियमों पर विवाद छिड़ गया है। गैर बीजेपी शासित प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार ने एक्ट को लागू करने से मना कर दिया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट अभी मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, इसमें जुर्माने की राशि बहुत ज्यादा है, अगर कोई जुर्माना नहीं भर पाया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, इसकी विवेचना की जाएगी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसमें प्रावधान के तहत काम करने के लिए फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एक्ट को लागू करने से पहले लोगों में जागरूकता लाना जरूरी है। नहीं, इसमें क्या होगा कि मान लो
हेलमेट नहीं लगाया है, उसने 5,000 रुपये का जुर्माना है, अगर वह नहीं दे पाया होंगे तो जेल जाएगा, तो कितने लोगों को जेल भेजेंगे। सब चीज़ें धीरे धीरे हालत में आई, लोगों को पता लगे कितना लगने वाला है, उसके बाद इसको हम एक्टिवाइज करेंगे। जागृति पहले फैलाना पड़ेगी, भैया ये सब अगर आपने उल्लंघन किया इतना इतना फाइन है, पहले लोगों को पता लगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3 बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1,000 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख बताई जा रही है। गांजा उड़ीसा के कोरापुट से छत्तीसगढ़ और शहडोल ले जाया जा रहा था। बस्तर पुलिस ने नगर नार थाना एवं बस्तर पुलिस चौकी क्षेत्र में 3 अलग अलग छापामार कार्रवाई करते हुए 1,000 किलो गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने बताया कि यह गांजा उड़ीसा के कोरापुट से लाया जा रहा था, जिसको छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और मध्य प्रदेश के शहडोल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। साथ ही एक ट्रक, स्विफ्ट कार और एक एक्सयूवी कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। जगदलपुर से जो है कोंडा गांव की ओर 2 अलग अलग गाड़ियों में अवैध गांजा का परिवहन किया जा रहा है, जिस पर बस्तर चौकी के द्वारा जो है चेकिंग की गई, और इस चेकिंग में एक स्विफ्ट डिज़ायर जो राकेश उमर वैस और साथ में शिव कुमार और ओंकार गुप्ता, उन तीनों के द्वारा जो है 60 किलोग्राम गांजा जो है परिवहन करना पाया गया। ट्रक से जो है करीब 650 किलोग्राम गांजा आने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसे भी मौके पर चेक किया गया, और इसमें जो इसके ड्राइवर हैं तुलसीराम, वो मौके से फरार हो गए हैं और उनकी पता तलाश की जा रही है। और इन दोनों पर जो है चौकी बस्तर में जो है NDPS एक्ट 20D के तहत जो है अपराध कायम कर लिया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट जी, यह खबर आपको समर्पित है, क्योंकि आपके जो दावे हैं प्रदेश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के, वो बेमानी हैं। सरकारी अस्पताल के हालात सुधरने के बजाय हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मगर जिम्मेदार प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में सो रहा है। नरसिंहपुर अस्पताल में अव्यवस्था इस हद तक बढ़ चुकी है कि यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कह सकते हैं कि आपके प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर चल रही हैं। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञ के 3,195 पद स्वीकृत हैं। बावजूद इसके महज 1,210 पद ही भरे हैं। इनमें से भी केवल 1,063 विशेषज्ञ हैं। प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर की कमी के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खुद वेंटिलेटर पर चल रही हैं। किन हालातों में मरीजों को दो चार होना पड़ रहा है, इसे जानने के लिए जब हमारे संवाददाता नरसिंहपुर के शासकीय जिला अस्पताल पहुंचे तो तफ्तीश की तो ऐसी हकीकत सामने आई, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं के वादे करती सरकार के दावों की पोल खुल गई। देखिए दखल न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मरीजों की भरमार है, मगर अस्पतालों में डॉक्टर कहीं नजर नहीं आते, और हालात ये हैं कि सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिनका खामियाजा बेबस मरीजों को उठाना पड़ रहा है। चूंकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, तो इसीलिए डॉक्टरों के उपलब्ध रहने का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का निर्धारित किया गया है, मगर इस निर्धारित समय में डॉक्टर कभी नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे, यह बड़ा सवाल है। नरसिंहपुर की जिला अस्पताल में जब भी हमने डॉक्टरों को खोजना चाहा, तो ड्यूटी टाइम पर भी डॉक्टर नदारद मिले। हमें ऐसे कई मरीज मिल गए जो सुबह से दोपहर तक परिजन के साथ डॉक्टरों को ही खोजते देखे। साहब, डॉक्टर हो तब तो उन्हें मिले। थक हार कर मरीज प्राइवेट अस्पतालों में महंगे खर्च पर इलाज कराने को मजबूर हैं। आप खुद ही मरीजों और उनके परिजनों की मुंह जबानी सुनिए। हम कल से भर्ती हैं। अच्छा। डॉक्टर लोग नहीं आए और न कोई पूछताछ है, न दवाई है। अब वो ही आती हैं, वो भाइयाँ ऐसी वो दवाई दे जाती हैं और गोली वोली तो बस। पैर देखा भी काजे आए हैं और बहुत तकलीफ में है, बट डॉक्टर साहब तक कोई नहीं मिल पा रहा है। परेशान हम काफी समय से हैं, सुबह ही दाखिल आ गया है, नहीं मेरे डॉक्टर नहीं मिले। अब जरा पहले से अस्पताल में भर्ती इन मरीजों का हाल भी देख लीजिए, जो पिछले एक सप्ताह से अस्पतालों में नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे ही इलाज कराने को मजबूर हैं। मरीज बताते हैं कि भर्ती होने के बावजूद भी कई दिन हो गए, मगर डॉक्टर देखने नहीं आए, सिर्फ नर्सें आती हैं
और दवा देकर चली जाती हैं। उनसे पूछा तो वह कहती हैं कि डॉक्टर साहब अस्पताल में है ही नहीं, तो आएंगे कहां से। कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो एचआईवी से पीड़ित हैं, जिन्हें सघन जांच की जरूरत है, लेकिन उन्हें भी डॉक्टर नसीब नहीं है। अगर मजबूरी में इलाज कराना है तो नर्स और वार्ड बॉय के भरोसे ही आप अस्पताल में भर्ती हो। सोमवार को भर्ती भाव तो आज गुरुवार 11 दिन हो गए। सेक्टर भर आप कछने दम में बता रहा आप मोहे जो घर से लाओ जो एक ठीक हाउ दादा दे दे हम बस इनो रख दे दे जो एक वो धरो को कमरा एक वो डुकरा है दाव एक जो धरे भैया जो इनके भर में दो मोहे नहीं मिलवाऊ नैया में 11 दिन हो रहा है आज। सेक्टर लग जा सूजी गोली दे गई बस। हार्ट प्रॉब्लम पर शुगर की बीमारी हो तो चेक करवाना था हमको तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिले सुबह 9 बजे से अभी 2:30 बजा है नहीं आए। बहुत सारे मरीज निकल गए अब देखते देखते यहाँ से पूछते सब निकल जाते हैं। चपरासी बोलते हैं कि आज नहीं आएंगे नाइट ड्यूटी की करी है उन्होंने। अस्पताल के कई वार्डों की हालत तो नर्क से भी बदतर है। फटे बदबूदार बिस्तर और संक्रमण के बीच मरीज अपना इलाज कराने को मजबूर है। और तो और अस्पताल के कई इक्विपमेंट निर्जीव पड़े हुए हैं, जिन्हें लाखों खर्च करके अस्पताल में लाया गया है। जैसे ब्लड बैंक में कई महीनों से सीबीसी मशीन खराब पड़ी हुई है और लैब टेक्नीशियन मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने की सलाह देते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने शिकायत नहीं की, लगातार शिकायतों के बाद भी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत परेशानी होती है क्योंकि उनकी सीबीसी की जाँच हो ही नहीं पाती। पेशेंट के लिए अब या तो वो प्राइवेट में जाके कराए या जो हमसे उसमें हो सकता है वो यहाँ हो जाता है। हीमोग्लोबिन है, काउंटिंग है, उसमें कंप्लीट काउंटिंग आती है मशीन में। दिक्कत बहुत है, शिकायत की है, भोपाल शिकायत की है, लिखित में वो लेके भी गए हैं और एक हफ्ते का उन्होंने फिर टाइम दिया कि एक हफ्ते बाद वो सुधरेगी, तो एक हफ्ते बाद आपको जानकारी फिर देंगे क्या हुआ। जिला अस्पताल को 2 वर्ष पहले ट्रामा सेंटर की सौगात मिली और जिले में 1,70,00,000 की चलित एम्बुलेंस सुविधा मिली, जो ऑपरेशन से लेकर वेंटिलेटर सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। लेकिन डॉक्टर की कमी के चलते वे भी कबाड़ में बदल रही है। खुद जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बताती हैं कि जिला अस्पताल में 31 मेडिकल ऑफिसर के पद हैं, जिसमें से केवल 4 डॉक्टर ही वर्तमान में पदस्थ हैं। जिला अस्पताल में एक भी फिजिशियन, ड्रेमेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि लगभग 500 डिलीवरी होने के बाद भी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है और मजबूरन फिजियमो द्वारा डिलीवरी कराई जाती है। यहाँ तक कि इतने बड़े हॉस्पिटल में केवल एक ही सर्जन मौजूद है और उन्हीं में से डे और नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। जी, डॉक्टरों की तो जो हमारे पास क्लास 1 डॉक्टर्स हैं उन्हें 31 होना चाहिए, जिसमें से केवल अभी जो वर्किंग में है वो केवल 4 हैं। चलता है तो फिजिशियन हमारे पास एक भी नहीं है, फिजिशियन नहीं है, ENT क्लास 1 नहीं है, इसके डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, हेमेटोलॉजिस्ट नहीं है, केवल हमारे पास सर्जन भी एक ही हैं और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट एक है। डॉक्टर्स भी हमारे पास कम है, ट्रॉमा का HR भी नहीं है, तो एम्बुलेंस तो अभी वो रखी हुई है और जो कि अभी खराब स्थिति में है। तो देखा मंत्री जी नरसिंहपुर से दखल न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट को। जब नरसिंहपुर जैसे एकमात्र जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल है तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी। तो मंत्री जी कुछ कीजिए, सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे जमीनी हकीकत में खोखले नजर आ रहे हैं। खाद्य विभाग ने बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से बड़ी मात्रा में PDS चावल की पैकिंग होते हुए पकड़ा। छापामार दल को गोदाम से करीबन 650 बोरी चावल और सील लगे प्लास्टिक बैग मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस गोदाम में सरकारी चावल की कालाबाजारी की जा रही थी। यह चावल मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल किया जाता है। ग्वालियर में यादव धर्मकाटा के पास गोदाम में सरकारी चावल की कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही थी। कलेक्टर अनुराग चौधरी को सूचना मिली थी कि हजारी क्षेत्र में यादव धर्मकाटे के पास एक गोदाम बड़ी मात्रा में सरकारी चावल की गुपचुप तरीके से पैकिंग की जा रही है। इसकी सूचना पर SDM अनिल बनवारिया की अगुवाई में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की तो गोदाम पर ताला डाला मिला। अमले ने गोदाम मालिक टिक्कू को बुलाकर ताला खुलवाया। छापामार दल को गोदाम में तकरीबन 650 बोरी चावल और सील लगे प्लास्टिक बैग मिले हैं। ये कलेक्टर महोदय को सूचना मिली थी कि यहाँ पर यादव धर्मकांटे के पास में एक गोडाउन में
शासकीय जो अपना स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन का जो चावल है शासकीय जो वो एक गोडाउन में रखा हुआ है और उसकी बोरियों को खोल के और चावल को दोबारा से छोटे छोटे नए पैकों में जो है पैक किया जा रहा है। तो हम मौके पर आए थे, पर यहाँ ताला लगा था तो यही गोडाउन के जो मालिक हैं उनसे ताला तोड़वाया और देखा तो अंदर बहुत सारे बड़ी संख्या में बोरे रखे हुए हैं। इसका परीक्षण किया जा रहा है कि मतलब ये मध्यान्ह भोजन के लिए जिला पंचायत से इसका ऑनलाइन इसका परमिट जारी हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बाद इस पर फिर कार्रवाई करेंगे। गोदाम मालिक ने SDM को बताया कि ये गोदाम MS फूड नामक संस्था का है, ये चावल मध्यान्ह भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोदाम मालिक ने जो दस्तावेज अमले को उपलब्ध कराए हैं उनमें एक एग्रीमेंट है जो शरद जोशी के साथ किया गया बताया जा रहा है, लेकिन किरायानामा नहीं होने से गोदाम में हो रहा कामकाज सवालों के घेरे में है। बारहा छापामार दल ने पंचनामा बनाकर विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल शुरू कर दी है। SDM अनिल बनवारिया ने प्रारंभिक पड़ताल के बाद माना है कि गोदाम में हो रही चावल की पैकिंग संदेहास्पद है और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी फॉर्मली नोन एज ISECT यूनिवर्सिटी द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल की लगभग सभी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। ये सड़कें कहीं सीवेज की लाइन बिछाने के नाम पर खोदी गई थी तो कहीं पानी की लाइन के लिए, मगर उसे फिर से बनाना प्रशासन भूल गया और जब बारिश हुई तो कीचड़ और पानी से भरे गड्ढे बचे, सड़कें यम लोग सिधार गईं। इसलिए लोगों ने दम तोड़ती सड़कों के गड्ढों की धड़कन चेक कर ग्लूकोज चढ़ाया और रही बची सड़कों के लिए महिलाओं ने उनके जीवन की प्रार्थना कर व्रत रखा। सड़क के गड्ढों के कारण वाहन चालकों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, कई लोग गिरकर घायल हो रहे हैं तो किसी का वाहन कीचड़ में फंस जाता है। इसको देखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाग मुगल या एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति द्वारा एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। दशहरा मैदान सरिता सेतु के पास सड़क के गड्ढों की धड़कन चेक कर उपस्थित डॉक्टरों द्वारा ग्लूकोज की बोतल लगाई गई। घटिया निर्माण होने से बारिश में सड़कों के गड्ढे के कारण चलना नामुमकिन हो गया है। इसको लेकर आज महिला पुरुष वृद्ध बच्चों द्वारा उपस्थित होकर अच्छी सड़कों की मांग सरकार से की गई। भ्रष्टाचार के कारण हर 2-3 महीने में सड़क खराब हो जाती है, इसका खामियाजा टैक्स देने वाली जनता को भुगतना पड़ता है। प्रशासन की आंखें खोलने और बची हुई सड़कों की लंबी जिंदगी के लिए महिलाओं ने भी व्रत रखा। अच्छी सड़कें देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अच्छी सड़कें देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अच्छी सड़कें देनी होगी, देनी होगी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए नजरबाग मैदान में महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 महिलाओं ने बाइक रैली में भाग लिया। इस रैली में ट्रैफिक नियमों की भी अनदेखी हुई, कई महिलाएं बगैर नंबर की बाइक चलाते नजर आईं। टीकमगढ़ के नजरबाग मैदान से महिला बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 महिलाओं ने बाइक रैली में भाग लिया। इस कार्यक्रम की संयोजक पूनम जायसवाल ने बताया कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया, लेकिन इस रैली में ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख दिया गया। कई महिलाएं बिना नंबर की बाइक ड्राइव करती नजर आई। महिला समानता दिवस के अवसर पर जो कि 26 सितंबर को था, उसके उपलक्ष्य में आज हमने दो उद्देश्यों के साथ महिला रैली निकाली। एक महिलाएं वो
जो घर में रोटी भी बनाती है, बच्चे भी पालती है और आसमान तक और चांद छूने तक की भी क्षमता रखती है, उन महिलाओं को समर्पित ये हमारी रैली थी। स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग नरकी जीवन जी रहे हैं, गंदगी से इतनी बदबू फैल रही है कि सड़क से निकलने वालों का सांस लेना दूभर है। यह हाल है करेली नगर पालिका के कचरा घर का, मगर नगर पालिका के अमले को यह गंदगी दिखाई नहीं देती। जब खुद नगर पालिका का यह हाल है तो शहर का क्या होगा, यह इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। करेली नगर पालिका के कचरा घर जाना मतलब अपनी जिंदगी से दो दो हाथ खेलना। किस तरह का जीवन वहां रहने वाले लोग जी रहे हैं, जरा वहां के जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि महोदय जाकर देखें। यह जगह स्वच्छ नगर करेली पर बदनुमा दाग है। या तो कचरा घर को वहां से अलग कर दिया जाए या वहां के रहने वाले लोगों को कहीं और भेजा जाए। इस विषय पर जब करेली सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने जगह का अभाव बताया और कहा कि कचरा घर के लिए देवरी कला में शासकीय जगह ली जानी है, जिसकी फाइल कलेक्टर साहब के पास है। जैसे ही आदेश होता है कचरा घर की उचित व्यवस्था की जाएगी। परेशानी होती है और इतनी होती है कि रोज रोज जेसीबी आके बुलाती है, नगर पालिका इन्फॉर्म करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास और कोई जगह नहीं है, तो जेसीबी भेज देते हैं और बाहर कचरा डला रहता है, वो जेसीबी रोज उठा के अंदर चढ़ा जाती है। इसमें 20 तो मरे जानवर डले हुए हैं, 20 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तो गंदगी इतनी है कि क्या करें, यहाँ नाक खोल के नहीं बैठ सकते। नगर पालिका आती, मशीन चला के चली जाती है। गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल खाक हो गया, मशीनरी और रॉ मटेरियल का ज्यादा नुकसान हुआ है। दमकल के अमले ने आग पर काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस भीषण अग्निकांड की वजह प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। ग्वालियर के गिरवाई क्षेत्र में अल सुबह एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का माल, मशीनरी और रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया। दमकल अमला आग पर काबू किया। इस भीषण अग्निकांड की वजह प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग के दौरान फैक्ट्री में कोई कर्मचारी नहीं था। क्वालिटी पैकर्स नामक फैक्ट्री में आज सुबह तकरीबन 5 अचानक आग लगने की लपटें दहशत फैला गईं। फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में आग तेजी से फैल रही थी। लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड अमले को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने के काम तेजी से शुरू हो गए। फायर ऑफिसर देवेंद्र कुमार जखेनिया के अनुसार कोई जनजीवन हताहत नहीं हुआ है। क्वालिटी पैकर्स के संचालक का नाम आकाश कुशवाहा बताया जा रहा है और इमारत HS भदौरिया की बताई जा रही है। फैक्ट्री संचालक आकाश कुशवाहा के मुताबिक सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे। तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। इस आगजनी में लगभग 40 से 50 लाख रुपए का माल जलकर खाक होने की आशंका जताई जा रही है। पास तो सुबह 5 फोन आया कि फैक्ट्री में आग लग गई है। अब दौड़ा दौड़ा चलाया, जब पता चला कि पूरी जब तक तो जल चुकी थी। कार्टून बॉक्स की फैक्ट्री है, कोरोगेटेड बॉक्स। अब आग का तो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं यहाँ पे लाइट से। अब देखते हैं बाकी। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी कि दत्ता फैक्ट्री गिरवाई थाने के पीछे आग लगी है। तत्काल मुख्यालय बालेव सब स्टेशन से नज़दीक होने के कारण एक गाड़ी यहाँ से भेजी, लेकिन यहाँ गाड़ी आई तो मालूम पड़ा कि आग ज़्यादा है, तो तत्काल 5 गाड़ियाँ और भेजी, क्योंकि बगल में पूरा इंडस्ट्री एरिया है, बिना फैक्ट्री एरिया है, दत्ती फैक्ट्री थी, पीछे भी आग लगी तो उसको तो बुझा लिया गया है। आज हुआ लगी हुई है, इसको बुझा रहे हैं। भोपाल में व्यापारियों की प्रमुख संस्थान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात कर मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई के चलते हो रही परेशानियों से अवगत कराया। संस्थान का कहना है कि खाद्य विभाग की कार्रवाई और रासुका के कारण व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि अमानक पाए जाने पर रासुका एवं FIR नहीं होगी, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य सामग्री पर जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्यवाही से भयभीत भोपाल के विभिन्न व्यापारी संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात की। व्यापारियों के मुख्य संस्थान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों ने बताया कि जो समस्त व्यापारी उपभोक्ता के हित में सरकार का मिलावट के खिलाफ अभियान का स्वागत करते हैं, लेकिन जो व्यापारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं उनमें भी रासुका और कठोर दंड का भय होने लगा है, जिसके चलते सही व्यापारी भी अपना
कार्य करने से डरने लगे हैं। कैट ने बताया कि चर्चा के उपरांत यह निश्चित हुआ कि वस्तुओं के उत्पाद एवं विक्रय के दौरान जांच के अंतर्गत अमानक पाए जाने पर आसूका और FIR नहीं होगी, लेकिन यदि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों में मिलावट की गई और जांच में पाया गया तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। जीवन का आधार है, शुद्ध आहार जीवन का आधार है, इस मूलभूत बात को लेते हुए शासन से हम लोग मिले थे और जो कठिनाइयां थी उनको व्यक्त किया और बड़ी खुशी है कि शासन ने उन सब बातों को मानते हुए एक जॉइंट एक कार्यक्रम चालू करना हम लोगों ने तय किया है, जिसमें सरकार और हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस बुराई को दूर करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय किया है। भय का वातावरण लगातार निर्मित होता चला जा रहा है अनावश्यक तौर पे, और फूड सेफ्टी एक्ट का अवहेलना भी की जा रही है शासन और कर्मचारियों शासकीय कर्मचारियों द्वारा। उस चिंता से हमने मध्य प्रदेश शासन के माननीय आरिफ वकील जी के नेतृत्व में एक चर्चा की। उन्होंने तत्काल तुलसी सिलावट जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनको उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि साहब मैं आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपके पास अपने अधिकारियों के साथ स्वयं आ रहा हूँ चर्चा के लिए। तो हम काफ़ी तादाद में व्यापारी और हमारे अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी थे। एक घंटे चर्चा हुई, सारी चीजों से उनको अवगत कराया। कैट ने बताया कि व्यापारी समय समय पर उपभोक्ताओं और व्यापारियों के ज्ञान वर्धन हेतु कार्यशाला का आयोजन करेंगे। समस्त व्यापारी संघ द्वारा एक प्रयोगशाला तैयार की जाएगी, जिसमें तत्कालिक परीक्षण कर मानक मूल्यों को निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत परामर्श सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। कैट ने यह भी कहा कि निरीक्षण के दौरान की गई कार्यवाही के उपरांत आवश्यक प्रतिलिपि व्यापारी को नहीं दी जा रही है। खाद्य सामग्री का सैंपल संग्रहण एवं कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि व्यापारियों को दी जाए। इस दौरान कैट के साथ खाद्य पेय मिष्ठान मावा विक्रेता, डेयरी उत्पाद विक्रेता एवं नमकीन रेस्टोरेंट आदि संगठन के लोग मौजूद रहे। आसुका जो लगाई जा रही है ये मिलावटखोरों के लिए लगना ही चाहिए, लेकिन आप ये बताएं आज हम 50-50 सालों से भोपाल में अपना व्यापार लेके बैठे हुए हैं, हमारी मनसा कभी नहीं रही है कि हम लोग कोई चीज़ मिलावटी करें या हम हमारी प्रतिष्ठा को इतना धोखा दे के हम क्यों अपना नाम बदनाम करेंगे जो हमारे पिताजी दादाजियों ने शुरू से चालू किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी शिकायत हो निष्पक्ष हो, जांच हो, जिसके कारण हमें कोई तकलीफ नहीं हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, हम भी उसके खिलाफ हैं। शासन द्वारा जो मिलावटखोरों के विरुद्ध जो मुहिम चलाई जा रही है, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो ईमानदार व्यापारी हैं जो अच्छा काम करते हैं, 40-50 सालों से उनकी शॉप है मिठाई की, अच्छी क्वालिटी का माल बनाते हैं, वो शुद्ध दूध और शुद्ध मावे का माल बनाते हैं, वो भी उसमें बदनाम हो रहे थे। तो कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय आरिफ अकील जी के यहाँ हम लोग गए थे, तो वहाँ चर्चा ये हुई थी कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी व्यापारी की। बच्चा चोरी के शक में किसी को भी घेर कर पीटने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लोगों की पिटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा घटना बड़वानी जिले के सेंधवा की है। यहाँ दिल्ली के परिवार के साथ कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में मारपीट की। बड़ी मुश्किल से परिवार अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा। दरअसल ये परिवार दिल्ली से मुंबई हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहा था। जानकारी के मुताबिक जब इनकी कार शहर से गुजरी तो ये पता पूछने के लिए रुक गए। इसी दौरान कार में बच्चों को देखकर लोगों को बच्चा चोर गिरोह होने का शक हुआ। मामला बिगड़ता देख ये लोग कार लेकर जाने लगे तो बाइक सवार कुछ लोगों ने इनका पीछा शुरू कर दिया और भीड़ ने कार को टोल प्लाजा के पास रोककर परिवार के 5 सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने लेकर आई। कार में सवार मोहम्मद शहजाद ने बताया कि जो मुंबई जा रहे थे तभी रास्ते में लोगों ने बच्चा चोर गिरोह समझकर घेर लिया और पिटाई करने लगे। इस दौरान कई लोगों ने कार में बैठी मेरी बहनों के साथ भी बदसलूकी की। इस बीच मैंने 100 नंबर पर कॉल किया, जैसे तैसे भीड़ से पीछा छुड़ाकर थाने पहुंचे। सर मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करी, फिर हमारे को कहे बच्चे चोर है, हम लोग गाड़ी लेके वहां से निकल गए सर। तो जैसे हम निकले तो हमारे पीछे काफी गाड़ी वाले लगे, उन्होंने हमारे साथ पथराव करा, गाड़ी पे तोड़ फोड़ करी, हमारे को मारा रास्ते में। भोपाल के भूत बंगला इलाके में मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस पलटने से हड़कंप मच गया। मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस के चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद वाहन पलट गया। एम्बुलेंस तेज गति से जा रही थी।
भोपाल के कोहिफिजा थाना अंतर्गत सुजुकी शोरूम के पास भूत बंगला एरिया में एम्बुलेंस के चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। वाहन के पलटते ही आसपास मौजूद लोग वाहन की ओर दौड़े और वाहन में मौजूद लोगों को अस्पताल ले जाया गया। एम्बुलेंस पलटने के बाद कुछ ही देर के लिए क्षेत्र का यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। गणेश उत्सव की तैयारियां बड़े धूमधाम से की जा रही हैं। जगह जगह गणेश भगवान की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रशासन के आदेश के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको देखते हुए शहर में मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई हैं। भोपाल में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निगम और प्रशासन के आदेश के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों पर रोक लगाई गई है, जिसको देखते हुए शहर के मूर्तिकारों और विक्रेताओं ने मिट्टी की मूर्तियां बनाई हैं। शाहपुरा स्थित एक बीज संस्था ने मिट्टी की मूर्तियों के विक्रय का एक बेहतरीन प्रयास किया है, जिसमें यह संस्था गांव में लोगों को मिट्टी की मूर्ति बनाने को प्रेरित करती है और बनी हुई मूर्तियों को बेचा जाता है। संस्था की ओनर कंचन का कहना है कि ऐसा करने से एक तो गाँव में रोजगार पैदा होता है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। आपने ये जो मूर्तियाँ बनाई है, ये बताया जाए POP मुक्त मूर्तियाँ हैं, शुद्ध मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये एक्चुअली मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा इनिशिएटिव है। बचपन से मम्मी बिठाती रही हैं गणेश जी, और मैं भी फिर उनके बाद मतलब शादी होने के बाद भी मैं यहाँ पर बिठाती हूँ। जब काम करती थी बॉम्बे में तब भी बिठाती थी, लेकिन मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो POP जब हम विसर्जन करने जाते तो बड़ा दुख होता था कि विसर्जित ही नहीं होती थी और वो ऐसी पड़ी रहती थी। तो यहाँ पर भोपाल में आने के बाद मैंने फिर मिट्टी की मूर्ति खुद बनाई, मतलब मिट्टी लेकर आती थी और उससे फिर बनाती थी और उसमें दाल चावल से सजाती थी, मतलब एकदम कम्प्लीटली इको फ्रेंडली। ये आप कहाँ से मंगाती हैं? जैसे ये मूर्तियाँ हमने देखी हैं, ये जैसे आपने बताया कि बाहर से मंगाई जाती हैं, तो MP में भी होशंगाबाद है, बैतूल मुल्ताई तरफ और अपना देवास साइड, इंदौर साइड, इधर छोटे छोटे गाँव में बहुत अच्छा काम करते हैं कुम्हार। हम जाते हैं, ढूंढते हैं, हर साल हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया करें। जैसे पिछले साल हमारे पास इतनी बड़ी मूर्तियां नहीं थी, हमारे पास तकरीबन 20 इंच तक की मूर्ति थी। मूर्तियों को बाहर भी भेजती हैं, जैसे मध्य प्रदेश से बाहर भी आपकी डिमांड रहती है आपकी मूर्तियों की? जी। तो कहाँ कहाँ से आपकी? ऑनलाइन से ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी है ना वेबसाइट भी है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, तो लोग हमें ऑर्डर देते हैं और फिर, लेकिन हम बाहर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ नहीं भेज सकते क्योंकि पैकेजिंग और ब्रेकेज कॉस्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि घर में बिठाने के लिए जो अपन एक नॉर्मल 9 से 11 इंच 10 इंच ये हम मूर्तियाँ उन्हें भेजते हैं। तो मैम का साफ तौर पर कहना है कि जो POP की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। दखल न्यूज आपसे निवेदन करता है कि POP की मूर्तियाँ ना इस्तेमाल करें, ना बनाएं, मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करें। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। गणेश उत्सव और मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने को लेकर सामाजिक वर्ग के लोगों से सुझाव साझा किए गए। इस दौरान झांकी और ताजिए को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैरागढ़ थाने में आगामी गणेश उत्सव और मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ताजिए निकालने और झांकियां बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बड़ी झांकियों में CCTV कैमरे लगाए जाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी बात कही गई। झांकियों और मुहर्रम में कार्यकर्ताओं को बैच लगाने को कहा गया ताकि कार्यकर्ताओं की पहचान की जा सके। इसके अलावा झांकियों में कार्यकर्ताओं को नशे और जुए से दूर रहने के निर्देश भी दिए गए। झांकियों में DJ पर रोक लगाई गई और साउंड सिस्टम लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी कहा गया। इसी तारतम्य में आज मीटिंग रखी थी शांति समिति की, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए विसर्जन घाट को लेके और चल समारोह को लेके। इस पर हम लोग बाकायदा पूरी तरह से कामिनी का प्रयास करेंगे और नगर निगम और MPD और SDM वगैरह सब लोग थे, जिसमें गड्ढों का या विसर्जन घाट की साफ सफाई के बारे में अन्य चीज़ों के बारे में भी बात हुई। और जहाँ तक असामाजिक तत्वों की बात है, ये भी बताया गया कि सभी माँ का पेरेंट्स भी ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चे यदि साथ में जाते हैं कहीं तो उनका पूरा तरह से ध्यान रखें जिससे कोई अनहोनी ना हो पाए।
झांकियों को सड़क से दूर स्थापित करने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो, लेकिन झांकी समितियां द्वारा दिशा निर्देश का पालन न करते हुए झांकियों को सड़क पर ही स्थापित कर दिया जाता है, जिससे आवाजाही में समस्या हो जाती है और साथ ही आगजनी जैसी बड़ी घटनाएं होने पर विकराल रूप ले लेती है। बैरागढ़ में कुछ झांकियां समितियां द्वारा अभी से झांकियों के पंडाल बनाने शुरू कर दिए गए हैं और कुछ सड़कों को बंद भी कर दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने त्योहारों को शांतिपूर्वक बनाए रखने के आश्वासन दिया है। सिवनी जिले में बना एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का भीमगढ़ बांध अच्छी बारिश से लबालब हो गया है। उच्चतम जल भराव होने के बाद शनिवार सुबह बांध के दो गेट से 500 क्यूसिक मीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा गया। भारी बारिश के चलते भीमगढ़ बांध के दो गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीमगढ़ डैम के प्रभारी सहायक यंत्री यूवी मर्सकोले ने बताया कि बांध के दो गेट 45-45 सेंटीमीटर उठाकर प्रति सेकंड 500 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 518 मीटर को पार कर चुका है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के जितना अतिरिक्त पानी बांध में आ रहा है उतना ही पानी दो गेट से छोड़ा जा रहा है। बांध के जल स्तर 518 मीटर पर स्थिर रखा जा रहा है। सहायक यंत्री मर्सकोले ने बताया कि बांध का पानी छोड़े जाने से बांध के निचले हिस्सों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि कम मात्रा में बांध में पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में जल भराव का खतरा नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो है ना मौसम, है ना डॉक्टरों का सीजन शुरू हो गया है, बता रहा हूँ, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। वो कल मैं खड़ा हुआ था, मेरा गला बैठ गया। मैं डॉक्टर के पास गया, भैया मैं खड़ा हूँ, गला बैठ गया मेरा, देखो क्या हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहब पूछते हैं कि हवा खाई थी क्या? मैंने कहा हवा तो खाती है, टहलने जाती है रोज। तो उन्होंने कहा अभी हवा में क्या कीटाणु वगैरह बहुत जा रहे हैं, तो संभल के रहो थोड़ा सा। तो संभलने का मौसम है, आप ही संभल जाओ भैया। अब मोदी जी ने भैया फिट इंडिया का स्लोगन दिया है भैया। और मैंने कल मेरे को एक नेताजी मिल गए जितने बड़ा पेट लेकर घूम रहे थे, और मैंने कहा भैया ये फिट रहो क्या है, मोदी जी बोल रहे हैं। तो उनका कहना है भैया नेताओं की फिटनेस उनके पेट से होती है, जिसका जितना बड़ा पेट उतना बड़ा फिट आदमी। अरे कमाई हमारी होगी तो कहाँ रखेंगे, रखने की भी जगह होनी चाहिए ना, बता रही हूँ ये तो चल गया है। और पाकिस्तान में भैया मक्खियों के परेशान है लोग। और मैं बता रही हूँ जी इमरान खान वो भी है ना, जो नेता है उनके वो भी मक्खियों की तरह इमरान खान को परेशान कर रहे हैं। बिलाल भट्ट कह रहे हैं ये बोले कश्मीर अश्मीर छोड़ो, मुजफ्फराबाद की चिंता करो और POK की चिंता करो, बता रहा हूँ ये सब तो चल रहा है। और पाकिस्तान वो भी इमरान खान गुस्से में मिसाइलें फोड़े जा रहे हैं, बता रहा हूँ, गजनबी फोड़ दी कल। मैं बता रहा हूँ उनके पास थोड़ी बहुत जो बचा है भैया उसको बचा के रखो, कहीं का भाई तभी युद्ध हो गया तो क्या करोगे, पैसे वैसे तो है नहीं खरीदने के लिए। हाँ अभी ट्रंप और इमरान की मुलाकात हुई, जब से इमरान खान ये थे उसके घूम रहे थे, हमने हमारा दोस्त मिल गया अमेरिका, ये हो गया वो हो गया। और जैसे ही मोदी जी पहुंचे भैया उन्होंने जो हाथ मारा, अरे भैया ये ट्रंप को याद आ गया कि असली दोस्त तो हमारा इंडिया है। और बता रहे जब से आग बबूला होते गुनगुनाते फिर रहे हैं इमरान खान, ये तो चल रहा है। और राहुल गांधी का ट्वीट कर दिया उनने, और उसको भैया उसके आधार पे वहाँ पे यूएन में शिकायत कर दी, बताओ ये तो चल रहा है। वो राहुल गांधी भी आए, उनको बाद में समझ में आता है क्या कर बैठती है, हाँ बाद में समझ में आता है उनको। और एक पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में होगा युद्ध। हम मैं बता रहा हूँ हम लोग है ना अक्टूबर नवंबर में दिवाली मनाएंगे, बिजी रहेंगे, पटाखे वटाखे फोड़ देंगे, हम एक सुतली बम फेंक देंगे उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ और एक देखो हृदय विदारक समाचार सुन लो, बिहार में रिश्वत के चक्कर में एक इंजीनियर ने है ना ठेकेदार को जला दिया, बताओ रिश्वत नहीं दी तो, ये ऐसा तो चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ये भैया कितने पैसे कमाओगे, कितने 10-10, 20-20 मकान बना के बैठे रहती हो, और अभी है ना मोदी जी बेनामी संपत्ति वाला नियम लाने वाले, ये भाई फालतू में चली जाएगी संपत्ति, कोई मतलब नहीं है बेवजह की मेहनत करने से। इंसान बनो, ठीक से रहो, अच्छे से रहो भैया, जितना मिल रहा है बहुत मिल रहा है। हाँ और यह खबर ये सुन लो, अमित शाह ने कहा है कि अपराधियों को अब थर्ड डिग्री से नहीं पूछताछ करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाओ। हमें पुलिस वालों का कहना है भैया कि हमारा सबसे वैज्ञानिक डंडा है, डंडा ही हमारा वैज्ञानिक तरीका है, डंडे से है ना हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, ऐसा थोड़ी है डंडा चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। ये खबर देख लो, ये भोपाल में कलेक्टरों ने क्या है बत्ती लगाने की मांग की है गाड़ियों पे। अब मेरा कहना ये है कि भैया ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, क्षेत्र में जाके घूमो, लोगों से मिलो, अब यहाँ पहचान जाएंगे लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी बत्ती लगाने की।
ये बत्ती गुल हो जाए तुरंत ठीक करवाओ है, अपने आप नाम जानेंगे कलेक्टर साहब आ गए जिन्होंने बत्ती ठीक करवा दी, बता रहा हूँ जैसा तो हो रहा है। और एक अच्छी खबर देश की बेटियों के लिए सुन लो, पीवी सिंधु है ना वर्ल्ड चैंपियन हो गई है, उन्होंने हरा दिया उनको, होकू हरा को बता रहा हूँ। अब देश के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात है और सभी बेटियों के लिए प्रेरणा वाली बात है। तो ये थी अच्छी खबर से मैं समाचार समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।